ये क्रेटा ई मॉडल के लिए मिरर फोल्डिंग है। जिस गाड़ी में कंपनी फिटेड मिरर भी मोटर वाले नहीं आते, बट हम मोटर वाले मिरर भी लगाएंगे इसमें और ये वायरिंग भी कनेक्ट करेंगे। वायरिंग आपको बताएंगे कैसे कनेक्ट की, लॉकल लॉक की है और ये आपका गाड़ी का ओरिजिनल साइड। और ये इसमें स्विच हम वेन्यू का यूज़ करेंगे और ये कुछ वायर है लूज, ये मैं आपको बताऊँगा कहाँ कैसे कनेक्ट करने हैं बिल्कुल अच्छे से। अब मैं आपको ये देखना है, ये इतना हिस्सा इसके अंदर जाएगा, देख सकते हैं जो ग्रे वाला लॉक है इतना हिस्सा अंदर जाएगा। जब जाके इसकी कॉपर पिनें टच होंगी और ये स्विच जो वेन्यू का लगाना है। ये हमें ड्राइवर साइड और दोनों साइड के गत्ते खोलने की जरूरत है जिससे कि हम उसके कनेक्शन करेंगे। ये हमारा का है, ये हमारा मिरर खुलेगा अभी कंपनी का बेसिक मॉडल का। ये इसका बेसिक मिरर है जो हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें इस टॉप मॉडल का ये देख सकते हैं, इसमें डोम लाइट भी है। और इस वाले में कोई नहीं है, इसका ये 4 पिन का कपलर है। ये इसका खाली देख सकते हैं 4 पिन का कपलर है, इसमें सारे पिन हैं, इसमें और सारे पोल भरे पिने आई हुई है। अब ये हम मिरर फोल्डिंग इसमें लगाने जा रहे हैं। इसके वायर हम आपको जो बताएंगे कि कहाँ पर ये कैसे कनेक्ट होंगे इस कपलर के अंदर। दो साइड के पॉइंट है, ये आपका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, 4 वायर जाएंगे। सबसे पहले हमें ये लॉक ओपन करना है जिसमें हम ये वायर डालेंगे, किसी पिन की से हमें ये लॉक ओपन करना है वाइट वाला। ये चारों वायर डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वायर कहाँ पर डालना है। ये पूरा मिरर फोल्डिंग है, ये हम दिखा देते हैं आपको कनेक्शन। ये आपका वाइट के तीसरे नंबर पे रेड है और फिर वाइट ब्लैक, ये हमारा राइट साइड है। इसके बाद हमने ये वायरिंग ली है, ये वायरिंग फिर हमने अंडरग्राउंड की है, यहाँ से जा रही है रबड़ के अंदर से, फिर मैथ के थ्रू इधर से उधर जा रही है। अब मैं आपको साइड का कनेक्शन दिखा देता हूँ कि वो 4 अभी 4 वायर भी हमने जो हमारी मिरर फोल्डिंग है उसके हम दिखा देते हैं कहाँ पर कैसे डाले। ये कॉर्नर पे ही पर्पल है और ये वाइट है, वाइट रेड जो राइट साइड में डाले वही सेम कलर कोडिंग हमने लेफ्ट साइड में यूज़ की है। ये हमारी अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है। अब सिंपली हमें मेन जो काम है हमारा स्विच कटिंग वो हमको करनी होगी। देखेंगे हम ये जो पोर्शन खोल रहे हैं इसके अंदर हमें डोर स्विच का जो हमारे मिरर के अंदर डोम लाइट है, डोम का लाइट जलाने के लिए ये येलो से ब्लैक वाली को जोड़ना है, एक वायर लगाना है इसको और फिर आपको मैं बताता हूँ उस येलो ब्लैक वाली से जो वायर जोड़ा है वो हमें कहाँ लगाना है, जिससे कि हमारा जो ये मिरर फोर के अंदर डोम है, डोम लाइट है जो लॉक अनलॉक पर जलती है, जो हमारे इस रिले के अंदर वाइट पे ब्लैक होती है उसके साथ ये डोम लाइट की येलो ब्लैक जुड़ेगी, उससे एक वायर के थ्रू इसको हम इससे अटैच कर देंगे जिससे कि जो हमारी मिरर के नीचे डोम मिरर के लॉक अनलॉक पे लाइट जलेगी। इसमें जो ये रेड वायर है इसको आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट देना है, बैटरी का वायर दे सकते हैं आप, इसको 12 वोल्ट देना है डायरेक्ट।
और ये वाइट ब्लैक जो आपके डोम लाइट का है, जो आपके मिरर पे साइड नीचे की साइड जो लाइट है लॉक अनलॉक पे जो वर्क करती है वो, उसके लिए उसमें मैंने आपको बताया कि पिलर के अंदर ये येल्लो ब्लैक कलर की वायर है, उसके साथ ये वाइट ब्लैक वायर जॉइंट होगा। और इसकी लॉक अनलॉक की वायर जो ब्लू वाइट है,